आप बताइए सर कहाँ पर ये कमल सिन्हा पार्क में कहाँ पर है कूड़े का पहाड़ बना ये प्रपोजल है इनका दिल्ली में जो तीन कूड़े का पहाड़ बड़ा बड़ा वाला है उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है ये कूड़ा थोड़ी है ये अरे इस तरफ देखो उधर जाके देखो और प्रपोजल है अरे मेरी तरफ देखो ना ये बताओ आप चाहते हो बने कूड़ा तो कहीं कोई भी नहीं चाहेगा लेकिन नहीं चाहते हो ना नहीं है पर ऐसा है इनका प्रपोजल है कि भाई कूड़े का पहाड़ बने यहाँ पे आप उसके विरोध में हो ना कूड़े का पहाड़ कैसे बन जाएगा बस ठीक है अंकल हमारे साथ चलो भैया कूड़े का कूड़े का पहाड़ बने यहाँ पे कोई नहीं चाहेगा बस ठीक है कूड़े का पहाड़ सर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस तरीके से अभी एक दिन पहले मनोज तिवारी परवेश वर्मा ये सब जो है आईटीओ गए थे और अभी अमित शाह जो है तुगलकाबाद में उद्घाटन भी किए आप लोग कूड़े को ढेर को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या है पूरा बताएं देखिए सबसे बड़ी बात भाजपा का झूठ बोलने में कंपटीशन नहीं है मुझे लगता है कि इनके शीर्ष के नेताओं ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखा है दिल्ली के अंदर जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पे पहाड़ कैसे हैं उसको बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये तो कूड़े का पहाड़ है ये भाजपा की देन है दिल्ली को पिछले चुनाव के दौरान मनोज तिवारी जी ने ये बात कही थी कि 1.5 साल में कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे और हुआ सीधा इसका उल्टा कि 3 कूड़े के पहाड़ क्या खत्म करते ये 16 नए कूड़े के पहाड़ प्रस्तावित हैं दिल्ली में उनमें से एक कमल सिनेमा पार्क के अंदर प्रस्तावित है 3 साल पहले यहाँ पे इन्होंने कूड़े की गाड़ियां खड़ी करनी शुरू की थी तो हम ये कहना चाहते हैं भाजपा को इस प्रकार से दिल्ली वासियों को धोखा ना दो आपके बस की बात नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार किया है अपने घर भरे हैं आपने नोटों के पहाड़ बनाए हैं नोटों के पहाड़ अपने लिए और जनता के लिए कूड़े का पहाड़ इस कूड़े के पहाड़ से अगर ये बन गया तो यहां से 5-5 किलोमीटर दूर तक इस प्रकार की गैसें पहुंचेंगी बदबू पहुंचेगी कि जो कैंसर के रोग से लोगों को ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाएगी आज आपके साथ यहां के लोग काफी मैंने देखा आप लोगों से बात कर रहे थे कूड़े का ढेर होना चाहिए या नहीं लोगों ने कहा इस पर खिलाफत है आपके सपोर्ट में जिस तरीके से दिल्ली में हर रोड पर कूड़े का ढेर लग रहा है और आज जो है बीजेपी के लोग जगे हैं देखिए दिल्ली वासियों ने जो केजरीवाल जी को सौंपा ये बात समझने लायक है दिल्ली वासियों ने सौंपा उनको स्कूल दुनिया से सबसे बेहतर करके दिखा दिए आज पूरे भारत के टॉप 10 स्कूल्स में दिल्ली के 4 स्कूल आते हैं गुजरात का एक स्कूल नहीं आता जिस प्रकार से जनता ने सौंपा उनको अस्पताल सबसे बेहतरीन करके दिखा दिए बिजली सबसे बेहतरीन करके दिखा दिया पानी सबसे बेहतरीन करके दिखा दिया सड़कें बेहतरीन करके दिखा दिया ये जो एमसीडी के जरिए भाजपा को जनता ने सौंपा था कि कूड़ा मैनेजमेंट के लिए तो उसमें भाजपा इस कदर फेल हुई है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जितना कूड़ा इकट्ठा होता है उसमें सिर्फ 0.6 ही ये कूड़ा खत्म कर पाते हैं अब ये सवाल पैदा होता है इस गति से तो 147 साल लग जाएंगे कूड़ा खत्म होने में तो दिल्ली वासी तब तक तो खत्म हो लेंगे अगर इस प्रकार से 16 कूड़े के पहाड़ बन गए तो दिल्ली के अंदर ऐसा हाहाकार मच जाएगा हर तरफ रोग ग्रसित हो जाएंगे लोग इससे कि लोगों को बहुत परेशानी होगी जान की आफत आ जाएगी तो आज आम आदमी पार्टी और मालवीय नगर विधानसभा यहाँ क्षेत्र के लोग ग्रीन पार्क वार्ड के लोग भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि भैया सोच भी मत लेना कमल सिनेमा पार्क में जो आपने एक बार हरकत की थी यहाँ कूड़े की यहाँ पे गाड़ियां खड़ी करने शुरू कर दी थी आपने हमने आपको भगाया था आज मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कभी गलती से भी आप कूड़े का पहाड़ यहाँ बनाने की सोचना भी मत जनता बहुत खिलाफत में है जनता आपको कहना चाहती है कि एमसीडी में आप फेल हो गए हो
अब आप एमसीडी को छोड़ो, केजरीवाल जी एमसीडी चलाएंगे और दिल्ली को कूड़े की पहाड़ों से मुक्ति दिलाएंगे।